हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी अभी तक कहीं किसके पहले क्यों नहीं गई, बीजेपी की टीम गुजरात क्यों नहीं गई, बीजेपी की टीम मध्य प्रदेश क्यों नहीं गई, बीजेपी की टीम इसके पहले सिग्रीवाल साहब रूडी जी जब उनके गाड़ी में शराब ढुलाई हो रही थी, सीएजी की रिपोर्ट आ गई कि पूरा बाल ही ढुलाई, तो क्यों नहीं गई? क्या इस बिहार में शराब के अलावे और कोई मुद्दा नहीं? शराब और जातीय गठबंधन, अंक गणित जातीय, इस दो के अलावे इस प्रदेश में कई मुद्दे हैं। देखिए किस तरीके से संतोष यादव या अन्य लोगों के दारू पी करके, देखिए मैं बता देता हूँ, ये सारे के सारे आप जब देखेंगे किसी भी चीजों को तोड़ दिया गया, जबकि दारू पिए हुए थे। मैं जांच की मांग करता हूँ इनके पूरी जांच। अरुण सिन्हा जी के बेटे जो बार पीट किए हैं, जिस व्यक्ति के द्वारा मारपीट का आरोप लगाया, ये बहुत क्लियर है। संतोष कुमार यादव जी ये और ये दारू पी करके इनकी पूरी जांच। पदाधिकारी है पार्टी में, किसी भी कीमत पर जो लोग दारू 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 कर रहे हैं, पहले देवेश जी, रूढ़ी जी, पूरे बिहार, हम जानना चाहेंगे सुशील मोदी जी से खास तौर पर दो बातें, तीन बात। एक, सुशील मोदी जी आर्टिकल जो एक्ट बना था शराब का मुआवजा देने का, वो मुआवजा देने का जो एक्ट था वो किसका था? सर, मुआवजा देने का एक्ट किसका था, सरकार का या जो जहरीली शराब बना के बेच रहा है उसकी संपत्ति जब्त कर? तो ये बात सुशील मोदी जी और भाजपा क्यों नहीं उठा रही है कि सुशील सिंह देवरिया, दुधनाथ सिंह गोपालवारी, राजकुमार सिंह स्वामीनारायण सिंह बरहरिया टोला मसरक, सभी मसरक निवासी, एक कौन सम्राज जो मुखिया गिरफ्तार हुए, जहां जहां शराब बेचने वाले वहां कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए और कितने लोग सीधा की संपत्ति जब्त हुई? तो भाजपा इस पर क्यों नहीं बोलती? उसमें कोई केक नहीं कटेगा, कोई भोज भात नहीं होगी, सेवा दिवस के रूप में, और पूरी पार्टी छपड़ा में जो लोग डेथ किए हैं वहां सहयोग राशि देंगे पूरा संकल्प के साथ। जो भी लोग 24 तारीख को 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 1 रुपया जो भी देंगे वो पूरा धन जहरीली समाज से, जहरीली शराब से मृतक परिवार को मिलेगा, टोटल वो ओपन होगा। बेटिया है, इसके पहले सिवान है, गोपालगंज है, मुजफ्फरपुर है, नवादा है, बक्सर है, सभी जगह पप्पू यादव 25,000, 50,000। गोपालगंज में हम 50,000 मुसहर समाज को जाके दिए। हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी अभी तक कहीं इसके पहले क्यों नहीं गई, बीजेपी की टीम गुजरात क्यों नहीं गई, बीजेपी की टीम मध्य प्रदेश क्यों नहीं गई, बीजेपी की टीम इसके पहले सिग्रीवाल साहब रूडी जी जब उनके गाड़ी में शराब ढुलाई हो रही थी, सीएजी की रिपोर्ट आ गई कि पूरा बाल ही ढुलाई, तो क्यों नहीं गई? क्या इस बिहार में शराब के अलावे और कोई मुद्दा नहीं है? शराब और जातीय गठबंधन, अंक गणित जातीय, इस दो के अलावे इस प्रदेश में कई मुद्दे हैं। शराब नीतीश कुमार जी ने अपने कानून के तहत यदि मुआवजा नहीं दिया, हम चाहते हैं कि सरकार जितने शराब माफिया उसे वसूली कर जो मृतक डेथ किए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और आंकड़े को ना छुपाए सरकार।
सच्चाई है, मैं वहां 3 दिन गया हूं। कल ही अमनौर में 15 आदमी एक पत्रकार डेट किए। अब वो पत्रकार डर से नहीं बोल रहे हैं कि मैं शराब पी के मरा हूं, लेकिन मैं गया हूं वहां। कल 12 जगह हम जाकर के परिवार को, रूढ़ी जी के पंचायत में 12 जगह 10,000 रुपया मदद की। क्या रूढ़ी जी को पैसे नहीं है? क्या रूढ़ी जी ने पैसे नहीं कमाए? क्या सिग्रीवाल साहब को इन नेताओं के पास 10 करोड़ चुनाव में खर्च करने के लिए पैसे होते हैं? 5 करोड़ 10 करोड़ को टिकट लेने के लिए पैसे होते हैं? बिहार की जनता को देने के लिए पैसे क्यों नहीं? दो, सुशील मोदी जी से एक बात जानना चाहूंगा। आप जो सरकार से पैसा मांग रहे हैं, सारा का सारा आपदा विपदा कोरोना का पैसा भारत सरकार के पास, यदि नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया पैसा, जिसको प्रधानमंत्री ने भी टाइप की थी, तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा? आप दीजिए 2 लाख रुपए, आप तो सब जगह देते हैं। और तीसरा सवाल हम सुशील मोदी जी से पूछेंगे, जब बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें जो लोग मरे, मैं सुशील जी, भाजपा को, मोदी जी को, आपको सबको चैलेंज करता हूं पूरे बिहार की जनता के सामने, ना किसी को नौकरी मिली ना किसी को 1 रुपया मिला, जबकि प्रधानमंत्री सबके घर पर गए थे, घोषणा किया था कि मैं नौकरी दूंगा और रुपया दूंगा। प्रधानमंत्री जी जिसके नाम पर चुनाव जीते, उसी को पैसा नहीं मिला। आप हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी, मॉनिटरिंग चीफ जस्टिस या जस्टिस कर ले हाईकोर्ट के, जैसे चारा है और बहुत घोटाले में हुए, क्योंकि ये मामला सारे नेताओं से संलिप्त और इसको दबाने की भरपूर कोशिश हो रही है। हर दिन भाजपा के नेता दारू पी के मारपीट करते हैं और उसको दबा दिया जाता है। पटना में भी वही हुआ, अरुण सिन्हा जी बाढ़ में भी गायब थे, अब मारपीट भी कर रहे हैं। तो बहुत क्लियर है, मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा विपक्ष के नेताओं से, इससे अलग मुद्दा इस बिहार में आज के डेट में जो सबसे ज्यादा है वो 2 मुद्दे हैं। वो मुद्दा है यूरिया किस